हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली सिंप्लीफाइड। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मीटिंग समवन हाफवे और गोइंग हाफवे के बारे में। मीटिंग समवन हाफवे जैसा कि आपको पता है, हाफवे क्या होता है, एक सर्टेन डिस्टेंस और उसका जो एक सेंटर पॉइंट होता है उसको बोला जाता है हाफवे। लेकिन मीटिंग समवन हाफवे का मतलब ये नहीं कि आपको एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाना था, आपको किसी से मिलने जाना था लेकिन आप उसको आधे रास्ते में ही मिल गए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मीटिंग समवन हाफवे और गोइंग हाफवे एक इडियम है, एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि सामने वाले के साथ में या किसी के भी साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लेना, कुछ टर्म्स कुछ कंडीशंस उसकी मान लेना और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी मनवा लेना। मतलब सामने वाले की कुछ बातों से आप अग्री करते हैं और सामने वाला आपकी कुछ बातों से एग्री करता है, या जैसे रिलेशनशिप में कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, आप उनको सेटल करना चाहते हैं, आप शेक हैंड करना चाहते हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट करना चाहते हैं। तो जब दो कदम आप चलते हैं और दो कदम सामने वाला चलकर आता है, देन इट इज कॉल्ड मीटिंग समवन हाफवे। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। If you want this relationship to continue, you have to meet me halfway and not expect everything to be on your terms only. If you want this relationship to continue, you have to meet me halfway and not expect everything to be on your terms only. Another example is, can we meet halfway on this? I'm willing to compromise. Can we meet halfway on this? I'm willing to compromise. One more example is, my roommate would never meet me halfway with cleaning, so I finally got my own place. My roommate would never meet me halfway with cleaning, so I finally got my own place. I hope आज की वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, so please like this video and share it as well. And if you are watching my video for the first time, then please don't forget to subscribe to my channel Simply Simplified. Thank you for watching.